अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर का सेकंड वीक का जो है मैथ्स का काम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा पेज नंबर 160 है, क्वेश्चन 4, 5 एंड 7, और इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हैं वो आप सीखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 160 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड डिवाइडर। रूलर और डिवाइडर के जरिए आपने जो है लेंथ मेजर करनी है। ये फर्स्ट ए वाली है आपके पास 4 सेंटीमीटर। आपने स्केल लेना है जो आप यूज करते हैं मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए। इसका सीएम सेंटीमीटर वाली साइड 0 से लेके 4 तक आपने डॉट लगा लेने और फिर इनको ज्वाइन करके ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसका नेम आपने रख लेना है पी क्यू। बी पार्ट है हमारा टी यू 2.5 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम आपने ऐसे ही करना है, स्केल रूलर आपने रखना है 0 सेंटीमीटर से 2.5 तक। एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक नाम आपने टी रख लेना है और दूसरा यू, टी यू 2.5 सेंटीमीटर। सी पार्ट है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। ये आपने लाइन ड्रॉ करनी है स्केल लेके, रूलर लेके आपने सेंटीमीटर वाली साइड 0 से लेके 4.2 तक आपने डॉट लगा लेना है और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। उसका एक नाम आर और दूसरा एस रखना है, आर एस 4.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। ए बी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से आपने स्टार्ट करना है सेंटीमीटर वाली साइड से और 5.5 तक आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और एक उसका नाम ए रखना है और दूसरा बी रखना है। क्वेश्चन 5 है, ड्रा स्ट्रेट लाइंस ऑफ फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड डिवाइडर। ये भी सेम वैसे ही आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ये ड्रॉ करनी है ए बी। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर की, स्केल से 0 से लेके 8 तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सी पार्ट है 10 सेंटीमीटर, आपने 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसका नेम ई एंड एफ। डी पार्ट है 6 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन है। ई है 9 सेंटीमीटर, स्केल के साथ 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके आपने 9 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। एफ में आपने कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 7 सेंटीमीटर। तो स्केल को आप 0 से स्टार्ट करेंगे सीएम वाली साइड। स्केल की 2 साइड्स होती हैं, एक पे इंचेस होते हैं और एक पे सेंटीमीटर सीएम होते हैं। आपने सीएम वाली साइड से आपने स्टार्ट करना है, 0 से लेके 7 तक आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। वर्टिकल होती है ये जो खड़ी हुई लाइन होती है, ठीक है, ये वर्टिकल होती है। इस तरह की लाइन आपने ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। कैसे करेंगे, सेंटीमीटर रूलर जो आप स्केल आप यूज करते हैं 0 से लेके 5 तक सीएम वाली साइड 2 डॉट्स लगाएंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आई ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर। ये वर्टिकल लाइन थी जो यूं खड़ी हुई और हॉरिजेंटल होती है यूं लेटी हुई, ठीक है, ये वाली ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये आपने 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है सेंटीमीटर स्केल पे, सेंटीमीटर वाली साइड 0 से स्टार्ट करेंगे 7 तक, ठीक है। जहां पे 7 सेंटीमीटर आएगा वहां पे डॉट लगाएं और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है 7 सेंटीमीटर की। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स की टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड आ राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ये जो 90 के ऊपर ये गोल सा डॉट आपको नजर आ रहा है ये डिग्री को डिनोट करता है, ये छोटा सा डी होता है यूं, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। कि ऐसा एंगल जो कि 0 से तो ज्यादा हो बट 90 से कम हो वो एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, अब 0 से ज्यादा और 90 से कम जो भी एंगल होगा वो आपका एक्यूट होगा। यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आप मतलब 70, 80, 89 तक ये एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल डेट ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 से तो ग्रेटर हो बट 180 से कम हो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। 90 से ज्यादा और 180 से कम एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब 90 से ज्यादा 95 भी ऑब्ट्यूज में आ सकता है, 100 भी, मतलब 180 तक जो भी एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल डेट ग्रेटर देन 1 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से जो एंगल ज्यादा होगा और 360 से कम होगा
वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है, कि 180 से ज्यादा, 185, 190, 180 से ज्यादा जो भी होगा, 360 से कम जो होगा, ठीक है, इन दोनों के वैल्यूज के दरमियान जो एंगल्स होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। लास्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है, ये सीधा होगा। थैंक यू जी, ये आज आपका सेकंड वीक का सिलेबस था, इसको ये जो एंगल्स की टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशंस आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है, थैंक यू।